कभी कभी ऐसा लगता है कि आज का जो समय है वो सबसे बुरा समय है, क्योंकि चारों तरफ से बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। जब सुबह हम समाचार पत्र देखते हैं तो उसमें कोई अच्छी खबर मुश्किल से नज़र आती है, और चारों तरफ कभी करप्शन की बात है, कभी क्राइम की बात है, रेप है, मर्डर है, एक्सीडेंट्स है, इन्हीं सब की बातें होती हैं। जब हम टेलीविज़न खोलते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बचा ही नहीं है। सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे ज़्यादातर निगेटिव न्यूज़ रहती है। यहाँ तक कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो लोग किसी की भलाई बताने की बजाय लोगों की बुराइयाँ बताना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी वजह से कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि जो दुनिया है बड़ी बुरी हो गई है, इसमें अच्छाई का कोई जगह नहीं है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अपोजिट है। सही बात तो दोस्तों ये है कि दुनिया के इतिहास में आज जैसा अच्छा समय कभी नहीं था। आज हमारी जो जनरेशन है वो सबसे संपन्न जनरेशन है, उसके पास ऐसी ऐसी लग्जरीज हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि पहले कभी नहीं थी। खाने की कोई कमी नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास में, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो लाइफ स्पैन है वो डबल हो गया है पिछले करीब 50-60 सालों में, हमारे पास अपनी चुनी हुई सरकार है, हर जगह पे बेहतरी है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि आज की जो दुनिया है बहुत बुरी है? सैकड़ों साल पहले कबीरदास जी ने हमें सिखाया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। कहने के मतलब ये है कि कबीरदास जी जो कि इतने बड़े महान संत थे, उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में बुराई ढूंढने निकला और मुझे इस दुनिया में कहीं बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक के देखा, अपने मन में झांक के देखा, तो मैंने देखा कि सारी की सारी बुराई वहीं भरी हुई है। दोस्तों ये जो हम दुनिया में बुराइयां देखते हैं उसका जो स्रोत है वो हमारे अंदर की बुराई है, और हम अंदर की बुराई हटाने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हमें अपने अंदर की बुराई नज़र ही नहीं आती है, और इसीलिए हमें अपना जो नज़रिया है ज़िंदगी का बदलना पड़ेगा। दूसरों की जगह अपने अंदर बुराइयों को देखें, क्योंकि अपने अंदर अगर हम बुराइयां देख पाएंगे तो हम उसको दूर भी कर पाएंगे और अपने को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। और इसके अतिरिक्त दूसरों के अंदर हम अच्छाइयां देखने की आदत डालें, क्योंकि जब हम दूसरों के अंदर अच्छाइयां देखेंगे तो हमें ये दुनिया अच्छी लगने लगेगी। हर व्यक्ति के अंदर अच्छा और बुरा पहलू दोनों होता है। अगर हम सिर्फ बुरे पहलू पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें वो व्यक्ति बुरा लगने लगेगा, लेकिन अगर हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देंगे तो वही व्यक्ति हमको अच्छा लगने लगेगा। और इसी तरीके से अगर दुनिया की अच्छाइयों के बारे में ध्यान देंगे तो हमें ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। तो दोस्तों ये जो कबीरदास जी का जो दोहा है, जो ज्ञान है, उसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है अपनी बुराइयों को देखने की, ना कि दुनिया की बुराइयों को देखने की। हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर सुधार करने की, ना कि दुनिया को सुधारने की। क्योंकि अगर आप अपने को सुधार लेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में आपको अच्छाइयाँ नज़र आने लगेंगी, और ये दुनिया जो है, जो कि आज आपको बड़ी ख़राब लगती है, वही दुनिया आपके लिए अच्छी बन जाएगी, वो आपकी मदद करेगी, आपके साथ चलेगी। तो दोस्तों अगर हम कबीरदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम पाएंगे कि हमने अपनी बुराइयों पर विजय पाली और दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ देखने की शक्ति जो है अपने अंदर पैदा कर ली, और फिर यही दुनिया जो है हमारे लिए बहुत अच्छी बन जाएगी, हमें हर कदम कदम पे मदद करेगी और हमें आगे बढ़ने में अपना सहयोग देगी।